चुनाव का घोषणा हुआ है, चुनाव का घोषणा होने के बाद जिस प्रकार से यहाँ पे कार्य देखे जा रहे हैं, वो शायद पहले होता तो कहीं ना कहीं छपरा बदला नजर आता। स्थिति आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से रोड की स्थिति है, कहीं टूटा है तो कहीं फूटा है, गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा ही पता नहीं। यूनिवर्सिटी है, तीन जिला को कवर करने वाले यहाँ पे अधिकारी बैठते हैं, DIG बैठते हैं, कमिश्नर बैठते हैं, लेकिन स्थिति समझिए कि यहाँ से तीन जिला कम छपरा है जो पूर्व मुख्यमंत्री का लोकसभा क्षेत्र रहा हुआ है, यह वही छपरा है जो राजेंद्र बाबू की धरती रहा हुआ है, यह वही छपरा है जो मौलाना मजहरुल हक की धरती रहा हुआ है। आपकी गलती में नहीं दर्शा रहा हूँ, आप तो एक सेवक है, आपको जो ड्यूटी दिया जाएगा बड़े अधिकारियों का उसका आप पालन करिएगा, लेकिन जो स्थिति है जिस प्रकार से आपके हाथ में ये है, रात के 9 बजे सफाई का कौन सफाई करता है जी, बताइए ना, 9 बजे रात बज रहा है, कौन इस टाइम सफाई करता है, कोई करता है, लेकिन सिर्फ इसी की वजह से हो रहा है। आज जैसे 22 बीतेगा, 24 को गिनती है, उसके बाद आके देखिएगा ना 9 बजे रात में कब होगा सफाई, कभी नहीं। ये बिहार का दुर्भाग्य है, सौभाग्य तो नहीं कहेंगे, दुर्भाग्य कहेंगे, साड़ी पैसा दारू मुर्गा टंगड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज व्यवहार। आज हमारी टीम छपरा में पहुंची है, देखिए नगर निगम के ना मेयर का चुनाव हो रहा है, मेयर का चुनाव आया हुआ है तब जाकर नली साफ हो रहा है, उसके बाद नली साफ हो रहा है, थोड़ा सा पानी आता है तो पूरे शहर में बाढ़ लग जाता है। आइए, हमारे साथ एक सहयोगी है, देखिए जब चुनाव साफ तौर पे जो सवाल है और जो सवाल का जवाब है कि जो सफाई का कार्य है, थोड़ा सा मोबाइल दिखाइए, अपना मोबाइल है दिखाइए, कितना विकास हो रहा है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। टाइम हो रहा है 8:43 और इस समय देखिए आपको दिखा रहे हैं, तो भाई साहब सफाई कर रहे हैं, जो साफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे सफाई हुआ है, उधर पीछे दिखाइए ट्रैक्टर आ गया है सफाई, यहाँ पे कचड़ा जो है उठा करके ले जाने के लिए। शायद चुनाव का घोषणा हुआ है, चुनाव का घोषणा होने के बाद जिस प्रकार से यहाँ पे कार्य देखे जा रहे हैं, वो शायद पहले होता तो कहीं ना कहीं छपरा बदला नजर आता, लेकिन बदला नहीं है, पोल लगा हुआ है सामने दिखाइए, लेकिन स्ट्रीट लाइट यहाँ पे नहीं है, सोचिए कहाँ नहीं है। इतना दिन से यहाँ पे बहुत सारे मेयर रहे हुए हैं, वर्तमान में बहुत सारे मेयर प्रत्याशी चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन विकास 0/घंटा है। अब सोचिए इस तरह से विकास होगा तो क्या छपरा जो जलमुक्त हो चुका है, थोड़ा सा अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पूरा जल ही जल लग जाता है, तो जलमुक्त होगा नहीं होगा। रोड की जो स्थिति आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से रोड की स्थिति है, कहीं टूटा है तो कहीं फूटा है, गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा ही पता नहीं चलता है। दूसरी तरफ आपको बताएं तो जो जाम की स्थिति है छपरा में, आप बखूबी उसको समझ सकते हैं, रात का समय है इसीलिए थोड़ा सा खाली है, अगर यही चीज सुबह 7 बजे हो या शाम का 7 बजे हो, अगर आप आते हैं तो आपको पूरा छपरा जो है जामे जाम दिखेगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तीन जिला को कवर करने वाले यहाँ पे अधिकारी बैठते हैं, DIG बैठते हैं, कमिश्नर बैठते हैं, लेकिन स्थिति समझिए कि यहाँ से तीन जिला कंट्रोल होता है और उस जिले के मतलब बदसूरती कहिए या जो आप कह लीजिए, कहने में कोई दो राय नहीं है कि विकास का मार्ग इतना प्रशस्त है कि सोचिए कि आज के परिस्थिति में रात को 9 बजे यहाँ पे झाड़ू लग रहा है, आइए सुबह 9 बजे आइएगा ना तो चुनाव से पहले यहाँ पे नहीं लगता था। यहाँ की जनता को हरदम मूर्ख बनाया जाता है। देखिए मूर्ख बनाना तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लाजमी है, चुनाव है, चुनावी लालची है, बहुत सारे बात होंगी। महज 2-3 दिन चुनाव का समय रह चुका है, 22 को यहाँ पे चुनाव है और 20 को प्रचार प्रसार जो है थम जाएगा, लेकिन जनता से भी अपील है कि देखिए जनता जो चुन रही है कहीं ना कहीं एक अच्छा कैंडिडेट चुने और पढ़े लिखे को चुने, अगर वैसा चुनती है तो कल के समय में शायद विकास होगा, अगर नहीं चुनती है तो जैसे इतने सालों से चलता आ रहा है छपरा बिल्कुल वही चलता रहेगा, क्योंकि ये वही छपरा है जो पूर्व मुख्यमंत्री का लोकसभा क्षेत्र रहा हुआ है, ये वही छपरा है जो राजेंद्र बाबू की धरती रहा हुआ है, ये वही छपरा है जो मौलाना मजहरुल हक की धरती रहा हुआ है, और आज इस छपरा की बदसूरती कहिए इतनी बिगड़ चुकी है कि यहाँ आने से लोग संकोचते हैं। सोचिए स्थिति परिस्थिति साफ तस्वीरों में, देखिए वहाँ पे कचरा उठाया जा रहा है जो साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, देखिए वहाँ दिखाइए
देख लीजिए ट्रैक्टर है वहाँ पे इस समय कचरा उठाया जा रहा है। क्यों उठाया जा रहा है? काम की स्थिति सुबह में होनी चाहिए, शायद इस टाइम नहीं हो रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि आप बखूबी समझ सकते हैं। सोचिए इस प्रकार की स्थिति छपरा में और छपरा के मेयर चुनाव की है और हम ग्राउंड जो रिपोर्ट है जो चीजें है वो दिखाने का और बताने का यहाँ के आम आवाम को प्रयास कर रहे हैं कि आम आवाम इस बात को समझे। आप शायद अपने घर में सो गए होंगे लेकिन रात के 9 बजे हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि स्थिति यहाँ पे साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम इनसे बात करेंगे और बात करके जानने का प्रयास करेंगे। आइए क्योंकि यहाँ पे कचरा उठा हुआ है और ये लोग उठाने का काम कर रहे हैं रात के 9 बजे। आप शायद आपको साफ साफ कहना है पढ़े लिखे व्यक्ति बिल्कुल में नहीं हुआ जी कभी कर रहे हैं लोग रात में होता है डेली होता है कि चुनाव आया है तबे हो रहा है डेली होता है। आज छपरा में जो गंध फैला हुआ है किसी पे अभी ना उठ रहा है। आज जैसे यहाँ पे लग जाता है जाम हो जाता है कचरा फैल जाता है। अभी एक मोटर है ना छपरे के ना है आपका भी भूत है लेकिन जिस प्रकार से स्थिति लग जाती है उस प्रकार की स्थिति क्या कहिए अभी एक मोटर है आपकी गलती नहीं है आपकी गलती मैं नहीं करता हूँ। आप तो एक सेवक हैं आपको जो ड्यूटी दिया जाएगा बड़े अधिकारियों का उसका आप पालन करिएगा लेकिन जो स्थिति है जिस प्रकार से आपके हाथ में ये है रात के 9 बजे सफाई का काम कर रहे हैं ऐसे लोग हैं तभी जाकर के छपरा जो है स्वच्छ है और सुंदर है। शायद ऐसे लोग नहीं होते देखिए पैर में जूता है और हाथ में इनका कहीं ना कहीं उठाने का समय आपका वो जो नंबर वार्ड का है क्या वो जो मार्केट लगता है सामने में सलम तो कितना नहीं ये जो है ना कौन चौक बोलता है इसको जानते हाँ ना ये ही पर है तो, ये हाई इतना पानी लगता था कभी हम लोग आकर के ही सफा किया उसको यहाँ से रेलवे लाइन तक पानी नहीं जमने दिए। जब रोज जब सफाई होता है तो फिर पानी कैसे लग जाता है तब फिर तो यही बात रह गया। आप क्या कहें आपके देखिए क्या कहेंगे सही सी बात है ये एक सेवक है अपना बखूबी ड्यूटी कर रहे हैं शायद नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो सैलरी में कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगा। हम लोग सी बात हम लोग का साहब जाप दे रहे हम लोग कर रहे हैं भाई यहाँ करना है साहब लोग आदेश देंगे घूम रहा है साहब है कि नहीं है साहब लोग नहीं एक बात नहीं है एकदम एग्री घूम रहा है देख रहे हम देखिए आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। देखिए मैं पहले ही बताया कि इनका कोई दोष नहीं है इनका कहीं भी गलती नहीं आपको दर्शा सकते हैं कहीं भी इनका गलती नहीं है। बखूबी भी अपना ड्यूटी करें नहीं करेंगे तो साहब का आदेश होगा साहब सैलरी काट लेंगे साहब कहीं ना कहीं अब्सेंट लगा देंगे बहुत सारी बातें हो जाएंगी। जब शहर में शाम और सुबह दोनों टाइम सफाई होती है फिर बाढ़ कैसे लग जाता है? दोनों टाइम सिर्फ चुनाव के समय हो रहा है चुनाव से पहले नहीं होता था जब से चुनावी बिगुल बजा है तब से ये हो रहा है इसके पहले नहीं होता था। चुनावी बिगुल बजा है कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट में आई हुई है और जो चुनाव आयोग यहाँ पे जो यहाँ के आर ओ है डीएम साहब हैं अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अब करवा रहे हैं क्योंकि चुनावी माहौल है सवाल बहुत सारे उठेंगे प्रत्याशी भी सामने आए हुए हैं इसको देखते हुए इस प्रकार का कार्य किया जाए तो 9 बजे रात कौन सफाई करता है जी बताइए ना 9 बजे रात बज रहा है कौन इस टाइम सफाई करता है कोई करता है लेकिन सिर्फ इसी की वजह से हो रहा है। आज जैसे 22 बीतेगा 24 को गिनती है उसके बाद आके देखिएगा ना 9 बजे रात में कब होगा सफाई कभी नहीं होगा। अगर ये रोज सफाई होता तो बाढ़े नहीं लगता यहाँ पे स्वच्छ होता सुंदर होता कहीं ना कहीं छपरा एक बढ़िया शहर में गिना जाता है समझा जाता है लेकिन नहीं इतना ही दिख रहा है। तो यहाँ के मेयर प्रत्याशी तो यहाँ की जनता कैसे समझे जनता देखिए जनता बखूबी जानती है आज के समय में जनता बेवकूफ नहीं है। जनता अगर देखे कि हाँ यह व्यक्ति सही है इसको हम वोट करने लायक है जनता मन बना चुकी होती है उसको बताने समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है जिसको उसको बेटर लगेगा उसको चुने। ये तो खैर ये बिहार का दुर्भाग्य है सौभाग्य तो नहीं कहेंगे दुर्भाग्य कहेंगे साड़ी पैसा दारू मुर्गा टमर सबसे लोग लेकिन द्वितीय मत क्योंकि जनता का एक बार 5 साल में आपका अधिकार बनता है उसको बढ़िया चुनिए स्वच्छ चुनिए सुंदर चुनिए ताकि आपका भविष्य बन सके। हम छपरा की जनता से यही अपील करेंगे कि आप प्रत्याशी को चुने बेहतर प्रत्याशी दारू आप मुर्गा पे आप न जाए दारू मुर्गा पे आप न जाए आप उचित प्रत्याशी को चुने कि जो आपके लिए कुछ काम करे आपके लिए कुछ करे। आप अगर दारू आप पैसा पर वोट देंगे तो फिर आप उनसे सवाल नहीं कर पाएंगे सवाल नहीं कर पाएंगे कि सर ये काम है वो काम है।
इसीलिए आप चुने कोई भी प्रत्याशी को तो बेहतर तरीका से, आप वोट जब दे रहे हैं तो सोच समझ कर वोट कर, बहुत बढ़िया।